हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 35 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% के करीबन की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहला अगर टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 1% की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने में 1.5% के करीबन की गिरावट देखने को मिल रही है। 3 महीने में 11% की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में 3%, 1 साल में 29% और 2 साल में 67% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 46 रुपीज। 46 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 39 रुपीज। 39 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहेगा। स्टॉक का ऊपर के एक रुकावट रेंज है अराउंड 45 रुपीज और इस स्टॉक में वहीं से ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 38 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 55 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।